समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत कब रहेगा, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इस दिन पारण का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखा जाता है। वहीं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। वरुथिनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ऐसी है, एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। तो शास्त्रों में भी एकादशी व्रत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए आगे हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो वरुथिनी एकादशी की शुरुआत होगी दिनांक 26 अप्रैल दिन मंगलवार को रात्रि 1:36 पर शुरू होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल 2022 बुधवार की रात्रि 12:46 पर समाप्त होगी। तो उदयात तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत जो है 26 अप्रैल मंगलवार के दिन रखा जाएगा। पारण का समय रहेगा 27 अप्रैल को प्रातःकाल 6:41 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:22 के मध्य आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं और इस दिन पूजन का सर्वश्रेष्ठ शुभ समय रहेगा। दिन के 11:52 से आरंभ होकर के दोपहर 12:44 का श्रेष्ठ समय रहेगा। इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। तो वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान करना चाहिए। सुबह स्नान करते समय अपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर डालना चाहिए। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य में तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। अंत में भगवान की आरती करें। पूजा के दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए, इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व धर्म शास्त्रों में इस प्रकार से बताया है। शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन व्रत रखने से और श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ आदि करने से और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मन को शांति मिलती है। और इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी वाला जल अर्पित करने और व्रत रखने से व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने के पश्चात वरुथिनी एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा आपको अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो कथा इस प्रकार से है, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि वरुथिनी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में सौभाग्य को देने वाली है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है, यानी पापों का नाश होता है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। इसी वरुथिनी एकादशी के व्रत से राजा मांधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को चले गए हैं। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर होता है। अन्नदान का सर्वाधिक महत्व माना गया है, क्योंकि देवता पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है।
तो विश्व में यदि कोई भाग्यहीन भी इसका व्रत करे तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। कन्यादान के समान धेनु का दान माना गया है, यानी गौ का दान होता है। यह साक्षात भगवान का कथन है। तो सब दानों में बड़ा दान विद्यादान होता है। अतः मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान के बराबर फलों की प्राप्ति कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से जीविका को चलाते हैं या कन्या का धन हरण कर लेते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना नामक नरक में गिराए जाते हैं। इसलिए प्रयत्न करके कन्या के धन का उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके सजा करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। तो वरुथिनी एकादशी करके मनुष्य उसी के समान फलों की प्राप्ति सहज ही कर लेता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि तथा द्वादशी तिथि को इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो इन वस्तुओं में है, कांसे के बर्तन में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शाक मधु दूसरे के अन्न का प्रयोग नहीं करें और 2 बार भोजन नहीं करें, 1 बार फलाहार लेवें और कोदो का उपयोग नहीं करें, शराब मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें। इस दिन व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए और बैल की पीठ पर सवारी करने की मनाही होती है। एकादशी के व्रत में इन वस्तुओं का परित्याग करने के साथ साथ इन कार्यों का त्याग आपको करना चाहिए। इस दिन जुआ खेलने से बचना चाहिए, इस दिन सोना नहीं चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, चोरी या हेराफेरी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करें, मैथुन नहीं करें, क्रोध करना तथा पाप करना, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। तो हे राजन, वरुथिनी एकादशी इस विधि से की जाती है। रात को जागरण करके जो मनुष्य भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे पाप मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। यमराज से डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इस व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने से सहस्त्र गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष फल प्राप्त कर लेता है। सारा समय शास्त्रों का चिंतन, भजन, कीर्तन आदि में व्यतीत करना चाहिए। दूसरे की निंदा करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना त्याग देना चाहिए। क्रोध मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। वस्तुतः पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से गंगा स्नान के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग एवं संयम करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। तो आगे धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में विस्तार से बताएं और इस व्रत की कथा क्या होती है इसके बारे में भी वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी के व्रत की कथा के बारे में बताया कि प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा, तभी वहां पर एक भालू आ गया। वह राजा मांधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा था। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर के चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु जी से रक्षा की प्रार्थना की, तो भक्त की पुकार सुन करके भगवान विष्णु जी वहीं प्रकट हो गए और उस भालू को मार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। तो भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बड़ा दुखी हो गया था। तब भगवान विष्णु जी ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है, तुम मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, वहाँ पर मेरी 12 अवतार की मूर्ति की आराधना करना, उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है, तुम बताए गए इस उपाय को जरूर करो। तो प्रभु की बातें सुन करके राजा ने वरुथिनी एकादशी का व्रत मथुरा नगरी में श्रद्धापूर्वक किया। वहाँ पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा अर्चना की।
और फलाहार करते हुए इस व्रत को किया। वरुथी ने एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला बन गया। उसका पैर ठीक हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग धाम की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से जो भी वरुथी ने एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस दिन फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन खरबूजे का सागार प्रातःकाल लेना चाहिए। खरबूजा व अन्य फल, आलू व दूध की वस्तुएं इस व्रत में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।